हाइकेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। एस एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है। रेड एरोज लाइट रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि एस एक पॉइंट सोर्स है इसीलिए इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। रेड डॉट्स वेवलेट्स को डेनोट करते हैं। इन रेड डॉट्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। रेड डॉट्स को सेंटर कंसिडर करें तो हम आर इक्वल्स टू सी टी रेडियस के स्पेयर ड्रॉ कर सकते हैं, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और टी इज द टाइम। इन स्पेयर्स के फॉरवर्ड साइड में और बैकवर्ड साइड में हम एनवेलप ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट। जो डार्क कलर में एनवेलप बना है इसे कहते हैं फॉरवर्ड वेव फ्रंट, जबकि डॉटेड ब्लू कलर का जो वेव फ्रंट बना है इसे कहते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइकेन से पूछा गया था कि वाई द लाइट ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हाइकेन ने कहा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है लाइट का वो होता है हाफ ऑफ 1 cos of theta. If theta equals to 180 degree, then cos 180 degree equals to minus 1. So amplitude becomes 0. That's why the light cannot travel in backward direction. आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। AB इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Let 1 and 2 are incident rays. NM is normal. PM is incident wavefront. And wavefront is always perpendicular to the incident rays. It means PM is perpendicular to the ray first and ray second. The green dots represent wavelets. These green dots at point P and point M are in phase because at wavefront all the points are in phase. Let small t time is taken by the light to travel from point P to R. So PR equals to CT because distance equals to speed into time, where C is the speed of light and T is the time taken by to travel from light from point P to R. M को center consider कर हम PR equals to CT equals to MQ distance का हम एक arc draw करते हैं। 1' and 2' are the reflecting rays. Point R से इस arc पर हम एक tangent draw कर रहे हैं जिसे QR नाम दिया गया है। QR को रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कहते हैं। इस QR पर जो ग्रीन कलर में डॉट बने हैं ये वेवलेट्स हैं जो कि सेम फेज के अंदर हैं। रिफ्लेक्टिंग रेज 1' एंड 2' आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R. Since PM is perpendicular on ray 1, that's why angle between N MP is 90 minus of I. Likewise, angle between N dash RQ is 90 minus R. Hence, angle PMR is I. And angle QRM is R. In triangle PMR and triangle QRM, MR equals to common side,
एम पी आर इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एम इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड पी आर इक्वल्स टू एम क्यू इक्वल्स टू सी टी देयरफॉर बाय एस ए एस लॉ ट्राइंगल पी एम आर कंकुरेंट है ट्राइंगल क्यू आर एम हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स लेट ए बी इज इंटरफेस ऑफ टू मीडिया Let medium 1 is rarer medium and medium 2 is denser medium. Speed of light in medium 1 is c1 while the speed of light in medium 2 is c2. Refractive index of medium 1 is mu1 while the refractive index in medium 2 is mu2. Therefore, mu2 is greater than mu1. Let 1 and 2 are two incident parallel rays. Plane MP, which is in green color, perpendicular to the rays first and second, is called incident wave front. The red points on this wave front MP are wavelets. NM is normal to the AB. Angle I is angle of incidence. M or P पर light particles same phase में हैं means wavelets are in same phase. P से R distance तक travel करने में suppose करते हैं कि small t time लगा तो P R जो distance होगी वो हो जाएगी P R equals to C1 t means Distance PR equals to velocity into time. इस time small t के अंदर M से Q तक distance जो हम लेते हैं वो हो जाएगी MQ equals to C2T जिसे हम M को center consider कर एक arc draw करते हैं इस आर्क पर आर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो रिफ्रैक्टेड रे को क्यू पॉइंट पर काटती है 1' एंड 2' आर रिफ्रैक्टेड रेज लेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर जिस प्रकार हमने पिछले टॉपिक में एंगल पी एम आर निकाला उसी तरीके से यहां पर भी एंगल पी एम आर इज एंगल आई और इसी तरीके से एंगल क्यू आर एम है वो आर हो जाएगा इन ट्राइंगल पी एम आर साइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देयरफॉर पी आर अपॉन एम आर इन ट्राइंगल क्यू आर एम साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सो वी गेट एम क्यू बाय एम आर सिंस वी नो दैट स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन एम आर डिवाइडेड बाय एम क्यू अपॉन एम आर एम आर से एम आर कैंसिल सो वी गेट पी आर अपॉन एम क्यू विच इज सी वन टी बाय सी टू टी टी से टी कैंसिल सो वी गेट म्यू इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू और म्यू इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू Equation first. We also know that by the definition of refractive index,
म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. सो वी गेट म्यू इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज सी वन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज सी टू. So from equation first and second we conclude that both are equal. It means laws of refraction is verified. Thank you for watching this video. Enjoy physics with Atlas Prasanthi.